हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय, वो अंग्रेजी में कैसे दें। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपने कहीं ऐसी जगह देखे होंगे जहाँ पर आसानी से इंटरव्यू के आधार पर एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। तो आपको इंटरव्यू अपना अच्छा करना है और उसमें इम्प्रेशन अच्छा देना है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। सो मैं आपको कुछ आसान स्टेप बताऊंगा इंटरव्यू देने की। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू में ग्रीड करना पड़ता है, अभिवादन करना पड़ता है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड करना। तो सबसे पहले हम ग्रीड करना सीखते हैं। ग्रीड करना हम सीखते हैं। तो ग्रीड हिंदी में हम कैसे करते हैं, ग्रीड, नमस्कार, नमस्ते या प्रणाम, इस तरह के शब्द कहकर हम हिंदी में ग्रीड करते हैं। परंतु इंग्लिश में समय के अनुसार ग्रीड करने का जो तरीका है वो बदलता रहता है। जैसे अगर हम किसी को सुबह में ग्रीड करना है, सुबह से अभिवादन करना है, तो उसके लिए हम गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। और अगर दोपहर में करना है तो गुड आफ्टरनून का, और शाम में करना है तो गुड इवनिंग का यूज़ करते ग्रीड करने के लिए। तो ये ग्रीड करने का तरीका हुआ। ग्रीड करने का तरीका हमने देखा कि अगर आप सुबह से आप 12 बजे तक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग का यूज़ करना है। और अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 12 बजे से 5 बजे तक, तो वहाँ पर आपको गुड आफ्टरनून का यूज़ करना है। और अगर आप शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको गुड इवनिंग का यूज़ करना है। तो यह है अंग्रेजी में ग्रीड करने का तरीका। तो जैसे आप कहीं पर गए तो सबसे पहले इंटरव्यूअर को बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आप समय के मुताबिक बोलेंगे। तो ये ग्रीड करने का तरीका हो। अब हम चलते हैं नाम बताना। ग्रीड करने के बाद आते हैं नाम बताने पर। तो चलिए हम नाम बताना सीखते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे ग्रीड करने का तरीका हुआ। उसके बाद आता है नेम बताना। तो सबसे पहले अंग्रेजी में नाम बताना, चार तरीके से नाम बताया जाता है इंग्लिश में। और हिंदी में तो सिंपली यह कह दिया जाता है कि मेरा नाम रोहित है, परंतु इंग्लिश में इसके चार तरीके नाम बताने के। तो मैं वो आपको वन बाय वन वो चारों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है हमारा दिस इज, और फिर आगे आपका नाम। फिर दूसरा तरीका माय नेम इज, फिर आपका नाम। तीसरा तरीका आई एम, और आपका नाम। चौथा तरीका माय सेल्फ, और आपका नाम। तो यहाँ देखिए चार तरीके हैं इंग्लिश में नाम बताने पे। अधिकतर बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन चारों में से किसका उपयोग करें। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको किसका यूज़ करना है। तो जो पहला है दिस इज रोहित दांगुड़े, तो यह आप किसी को एड्रेस करने के लिए लगाएंगे। जैसे आप सपोज आप एक ऑडिटोरियम में है, वहाँ आपको स्पीच देना है तो आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे दिस इज रोहित दांगुड़े। तो ये एक ऑडिटोरियम के लिए यूज़ होगा, जहाँ आप ऑडिटोरियम में है तो आप दिस इज का यूज़ करेंगे। और अगर आपको जनरली किसी से नाम अपना बताना है तो आप माय नेम इज रोहित दांगुड़े या आई एम रोहित दांगुड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है कभी भी नाम बताने के लिए, क्योंकि अगर आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो ये जो माई सेल्फ है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। और अब इसके बाद हमें नाउन का ही यूज़ करना है। जैसे नाम, तो नाम, नाम एक नाउन है तो हम माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, ये एक इनफॉर्मल वे है। तो ये हुआ नाम बताने का तरीका, ठीक। उसके बाद हम प्लेस बताते हैं। तो हमने सीखा ग्रीट करना, नाम बताना, अब हम सीखेंगे प्लेस बताना।
प्लेस के आप कौन से स्थान से हैं। तो जैसे मैं सनावत से हूँ, तो दिस इज रोहित दांगड़े फ्रॉम सनावत, फ्रॉम सनावत। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम फ्रॉम सनावत। या फिर आप कहीं से भी हो तो आप कह सकते हैं, या इसके बजाय एक और सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं, आई बिलोंग टू सनावत। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आई बिलोंग टू सनावत। तो चलिए ये हुआ प्लेस बताना। अब इसके बाद आता है फैमिली के बारे में बताना, क्योंकि फैमिली हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए हमें फैमिली के बारे में इंटरव्यू में बताना जरूरी है। तो चलिए अब जनरली बहुत सारे लोग अब दो प्रकार से फैमिली के बारे में बताते हैं, पहले अपने मम्मी पापा का नाम बताते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बताते हैं, और फिर भाई बहन के बारे में आते हैं। तो मैंने इसके लिए एक एक सेंटेंस बनाया है जिसमें यह दोनों सेंटेंस कवर हो जाएंगे, मम्मी पापा का भी और भाई बहन का भी। तो देखिए वो सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हम सीखेंगे फैमिली के बारे में बताएं। तो एक सेंटेंस बनाया है, आप उसको कह सकते हैं जैसे, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली मेरे परिवार में, अपार्ट अपार्ट माई पेरेंट्स, अपार्ट माई पेरेंट्स, इन माई फैमिली मेरे परिवार में, अपार्ट माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा के अलावा। अब यहाँ पर आप भाई बहन के बारे में बताइए, आई हैव डैश, यहाँ पर खाली जगह स्थान छोड़ रहा हूँ, आपको यहाँ पर भाई बहन का नाम लिखना, उनकी क्वांटिटी बताना है, आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर। आप यहाँ पर उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं, आपके जितने भाई बहन हो, जैसे आपका एक भाई और एक बहन है, तो आप यहाँ कहेंगे आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। और अगर आपकी दो बहनें और दो भाई हैं, तो आप कहेंगे आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। तो इस तरह आप फैमिली के बारे में बता सकते हैं इस सेंटेंस से। तो इन माई फैमिली अपार्ट माई पेरेंट्स आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, इस सेंटेंस से आप फैमिली के बारे में पूरा बता सकते हैं। फिर फैमिली के बाद आता है क्वालिफिकेशन के बारे में बताना, कि आप क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए हम क्वालिफिकेशन अब बताना सीखते हैं। ये हमारा क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है। क्वालिफिकेशन, अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। जैसे अधिकतर बच्चे इलेवेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ टेंथ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इन क्लास में रहते हैं, तो वो जनरली बोलेंगे आई आई एम इन क्लास ट्वेल्थ, आई एम इन क्लास ट्वेल्थ, आई एम इन क्लास ट्वेल्थ, आई एम इन क्लास ट्वेल्थ। अब इसकी जगह पर आई एम इन क्लास एट, आई एम इन क्लास नाइन्थ, आई एम इन क्लास इलेवेंथ। अब जिस भी क्लास में है वहाँ आप यहाँ पर उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर सपोज कोई स्टूडेंट जैसे हायर एजुकेशन में, जैसे कोई बीएससी बीए बीकॉम इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उसके लगेगा आई एम परसुइंग इन बीए, आई एम परसुइंग इन बीएससी, आई एम परसुइंग इन बीकॉम, तो उसके लिए लगेगा परसुइंग। तो चलिए देखिए, आई एम परसुइंग इन बीए। अगर आप अपना ईयर बताना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो यहाँ पर कहेंगे आई एम परसुइंग इन बीए फर्स्ट ईयर। इस तरह से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वालिफिकेशन के बारे में हुआ। अब उसके बाद आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, किसके बारे में था एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल जैसे अतिरिक्त, एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए आप एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहे इंट्रोडक्शन में तो करिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।
जैसे जो जनरली क्लास 11th 12th के बच्चे रहते हैं उनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं रहती है, जैसे लाइक कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो इस तरह के अगर सर्टिफिकेट हैं आपके पास तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इंट्रोडक्शन में से ऐड करने की। जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं आई हैव अ कम्प्लीटेड माई 3 month बेसिक क्लास इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये कंप्यूटर कोर्स है, तो आप ऐसा कह सकते हैं अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो इस पॉइंट को मैं रहने ही देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं हॉबीज़ पर। सबसे मेन बात आती है हॉबीज़, आपके हॉबीज़ क्या हैं। तो देखिए हॉबीज़, अब आपके हॉबीज़ क्या है, तो अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे माय हॉबी इज़। और अगर आपकी एक से अधिक हॉबी है तो आप कैसे कैसे कहेंगे माय हॉबीज आर डांसिंग एंड टीचिंग। और अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे माय हॉबी इज़ टीचिंग। सो इस तरह से आप हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहेंगे माय हॉबी इज़ डांसिंग। और अगर आपकी दो हॉबी है तो यहाँ इसकी जगह आर लग जाएगा, माई हॉबीज आर डांसिंग एंड टीचिंग, मेरी हॉबी नाचना और पढ़ाना है। तो ठीक, ये माई हॉबीज आर डांसिंग एंड टीचिंग। अब इसके बाद आता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो इस तरह से आप जो बनना चाहते हैं वो कह सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से। उसके बाद आता है आपकी स्ट्रेंथ, जो ताकत आपकी क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहां पर कहेंगे माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, मेरी ताकत मेरा परिवार है। ठीक, और ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। तो चलिए इन जो स्टेप्स के आधार पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ, उस इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से देखिए। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर एक इंट्रोडक्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हेलो फ्रेंड्स, तो आपको भी हेलो फ्रेंड्स कहना है। उसके बाद लिखा है ग्रीट करने का तरीका, हमने सीखा था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहना, किन सिचुएशन में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहेंगे, तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका नाम, और वो जो एक आप आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्लीज़ लिसन केयरफुल, ये कहना चाहे तो कहिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है माई नेम इज़, या फिर दिस इज़ रोहित दामोड़े, आप माई नेम इज़ का प्रयोग कर सकते हैं, एंड माई आई एम रोहित दामोड़े या दिस इज़ रोहित दामोड़े, आप तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिस इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज रोहित दांगुड़े फ्रॉम इनपुन, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आया फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज मिस्टर दीपक दांगुड़े। अब फादर्स का प्रोफेशन बताना है कि आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, तो ही इज फार्मर। उसके बाद आता है मदर्स नेम, तो व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज मिसेस छाया दांगुड़े। अब आपके यहाँ पर मम्मी का प्रोफेशन बताना है कि वो क्या करते हैं, तो शी इज हाउस वाइफ, वह एक गृहिणी है। उसके बाद आता है अब कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के, तो इसमें बताना है जनरली आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, आपकी जो उम्र है वो बताना है। उसके बाद आता है आप कौन सी कक्षा में है, सो आई एम परसुइंग इन बी ए फर्स्ट ईयर। उसके बाद आता है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव, आपके कितने भाई बहन है वो बताना है। तो यहाँ पर मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं यहाँ कहूँगा आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। उसके बाद आता है व्हाट डू वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हैं,
मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कहूँगा आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। उसके बाद आता है हॉबीज़ क्या है आपकी, वॉट आर योर हॉबीज़, तो यहाँ पर कहेंगे माई हॉबीज़ आर डांसिंग एंड टीचिंग, माई हॉबीज़ आर डांसिंग एंड टीचिंग। उसके बाद आता है वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी उसकी ताकत क्या है, वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो आई वुड लाइक टू से दैट माई स्ट्रेंथ इज़ माई फैमिली। आफ्टर इट वट इज़ द वीकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी, वट इज़ द वीकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो आई वुड लाइक टू टेल माई वीकनेस इज संस्कृत लैंग्वेज, माई वीकनेस इज संस्कृत लैंग्वेज। तो इस तरह आप इस टॉपिक के माध्यम से जो आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक शो हो रही है उसके माध्यम से आप इंट्रोडक्शन बड़ी आसानी तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो चाहे आप आज इंट्रोडक्शन दें, कल इंट्रोडक्शन दें, 3 महीने बाद इंट्रोडक्शन दें या 1 साल बाद इंट्रोडक्शन दें, तो भी आपका परफॉर्मेंस ग्रेट ही रहेगा और आप इंटरव्यूअर पर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाएंगे। आपने एक वाक्य प्रोवर्ब सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि वेल बिगन इज हाफ डन, इसका मतलब होता है अच्छी शुरुआत समझो आधा काम पूरा हो गया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मैं इसी तरह के अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पोकन मास्टर। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।